हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स असल। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो वो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमने बनाया है एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल, क्लियर है। 90 डिग्री का ये ट्रायंगल बनाया मैंने और उसके मैंने नेमिंग कर दी है मैंने उसको ए बी सी करके, ठीक है। इसमें ट्रायंगल की ये ए सी हाइट के हाइपोटेन्यूस है, ये ए सी लेंथ जो है। बी सी साइड को हम बोलेंगे ट्राइंगल का बेस और ए बी साइड को हम ट्राइंगल का बोलेंगे परपेंडिकुलर, क्लियर है। अब पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम हमसे बोलती है कि जो ट्राइंगल है ना उसमें ट्राइंगल का एच स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। बस आपको इतना याद रखना है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर ट्राइंगल के परपेंडिकुलर स्क्वायर के प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होगा। एक अगर हम एग्जांपल देते हैं, परपेंडिकुलर आपके पास गिवन है 2, बेस आपके पास गिवन है 3, क्लियर है। तो उसने बोला है क्वेश्चन में कि आप हाइपोटेन्यूस निकालिए ट्राइंगल का। कोई भी दो क्वान्टिटी आपको गिवन रहेंगी, या तो आपको हाइपोटेन्यूस गिवन रहेगा और परपेंडिकुलर गिवन रहेगा, बेस उसने पूछा होगा, या फिर आपको परपेंडिकुलर और बेस गिवन होगा, हाइपोटेन्यूस उसने पूछा होगा। आप खुद ही सोचिए, तीन क्वांटिटी में से ये तीन क्वांटिटी का रिलेशन है, एच स्क्वायर पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो तीन क्वांटिटी में से आपको अगर निकालना है तो आपको कम से कम दो क्वांटिटी की तो वैल्यू पता होनी ही चाहिए, क्लियर है। यानी कि दो वेरिएबल की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो आप तीसरे की निकालेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपको एक की पता है तो आप दो बाकी दोनों की निकाल सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कभी भी दो वैल्यू निकालने के लिए आपको एटमोस्ट दो इक्वेशन तो चाहिए, इसलिए ठीक है आपको दो की तो गिवन रहेगी, एक निकालनी रहेगी। पी 2 है, बी 3 है, एच निकालिए। कुछ नहीं है, सिंपल एच स्क्वायर की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में क्या रखूँगा, एच ही रख दूँगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं है एच की वैल्यू, क्लियर है। पी की मैं रख दूँगा 2, उसी तरह से मैं बी की रख दूँगा 3। 2 स्क्वायर हो गया 4, 3 स्क्वायर हो गया 9, 9 प्लस 4 हो गया 13, ठीक है। 13 इक्वल टू एच स्क्वायर आ गया, एच क्या आ गया मेरे पास अंडर रूट 13। इस तरह से मेरे पास एच की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 13। तो ये मेरा हो गया आंसर। एक और मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे मैंने एच आपको दे दिया है 5, पी मैंने आपको दे दिया है 2 और बी मैंने आपको ढूंढने को बोला है। तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, यही रिलेशन एच क्या लिख देंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू इसमें इस बार दी है तो हम फुट कर देंगे 5 स्क्वायर, पी स्क्वायर दी है 2 स्क्वायर, बी की नहीं दी तो हम क्या कर देंगे उसके जगह, ऐसे कैसे रहने देंगे उसे। 5 स्क्वायर हो गया 25, 2 स्क्वायर हो गया 4 प्लस पी स्क्वायर, 25 माइनस 4 इक्वल टू बी स्क्वायर, 25 माइनस 4 21, इसका अंडर रूट ले लेंगे वो किसके बराबर आ जाएगा, बी के, क्लियर है। इस तरह से होती है पाइथागोरस थ्योरम। और इसका शॉर्टकट क्या है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट कट ताकि आपको याद रहे, है ना। हैप्पी बर्थडे तो आप सबको याद रहेगा, हैप्पी बर्थडे याद रहेगा। अब देखिए, हैप्पी का आप एच ले लीजिए, ये डबल पी है ना उसका एक पी ले लीजिए और ये पी ले लीजिए, ये क्या आ गया एच पी वी, और ये तो हमारा रिलेशन है, एच पहले एच आ रहा है हमारे, फिर पी आ रहा है और फिर बी आ रहा है, तो ये शॉर्टकट हो गया, क्लियर है। इससे आप याद कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को, एच आ रहा है फिर पी आ रहा है फिर बी आ रहा है, इससे बढ़िया बात ही क्या हो सकती है, ठीक है। तो समझ आया तो क्या करना है आपको पता है, वीडियो को लाइक, चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब, और आखिर मैथ्स असल है क्या, यही तो है मैथ्स असल, मींस ये मेरा एक चैनल है सारे तरह के मैथ्स वीडियोज़ के लिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है उन वीडियोज़ से। तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो यार, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू।